हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है पोकेमोन यूनाइट की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक। हाँ, जो हमें सेरिफ इवेंट में बैज एक्सचेंज काउंटर पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक मिलता है उसे हम कैसे यूज़ करते सकते हैं। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ बैज एक्सचेंज काउंटर। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखूँ, 1000 एक्स्ट्रा एनर्जी टू द मेन टैंक। तो फिर ये हमें 1000 एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे मेन टैंक में मिलेगा। तो यहाँ से मैं ख़रीद लेता हूँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक, एक्सचेंज कर लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक सिर्फ बैज के बदले। तो यहाँ पे मैं जब मिल चुका एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक, तो अब आती है मेन बात कि आप इस एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक को कहाँ मिलेगा। तो हमें जाना है यहाँ पे आइटम बॉक्स में। आइटम बॉक्स में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक मिल जाएगा, देख सकते हो, और एक जगह से मिल सकता है। हमें जाना है एनर्जी टैंक में, जाना है हमें पहले। तो फिर मैं एनर्जी टैंक में जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे जो प्लस वाला जो आइकन देख रहे हो ना, इसे हमें खोल लेना है। उसके बाद यहाँ से भी हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा था 1400, यहाँ पे 2400 हो चुका है। तो ये कैसे होगा 1400, हमें हफ्ते में 1400 मिलता है जब हम मैच खेलते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। तो हफ्ते में हमें 1400 एनर्जी मिलता है, अब हमें हफ्ते में 2400 एनर्जी मिलेगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक मैच खेल के दिखाता हूँ ये कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक क्विक मैच खेला था, तो यहाँ पे मुझे 330 पॉइंट मिले हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे 30 पॉइंट हट गए ऊपर से, देखो अब हमारे पास 2370, ऐसे करके हमें हमारे टैंक में आ जाएगा। तो अब मैं ये हफ्ते में 1400 मिलता था, वहाँ पर हमें दो हफ्ते में 2400 से मिलने लगेंगे। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा वहाँ से भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।